नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 11 सितंबर 2020, और 11 सितंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बताएं कि आपने अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तैयारी सक्सेस की इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो दोस्तों, कौन सा वो राज्य है जो नई शिक्षा नीति आया है देश में उसको लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के दोस्तों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसको 43 टास्क फोर्स का गठन करके इसका उद्घाटन किया दोस्तों, ठीक है, लागू कर दिया। और जो 43 टास्क फोर्स जो बनाए हैं उसका अध्यक्ष कौन होंगे, वो अध्यक्ष होंगे वहाँ के शिक्षा मंत्री, जिसका नाम है गोविंद सिंह ठाकुर। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति अभी 2020 में आया, इससे पहले नई शिक्षा नीति कब आया था? तो दोस्तों, वो आया था 34 साल पहले, 1986 को आया था, ठीक है, 1986 को आया था शिक्षा नीति। तो दोस्तों, इसको इंग्लिश में NEP भी बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो दोस्तों, अब ये शुरू किया हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, और यहाँ का गवर्नर राज्यपाल कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय। तो दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश ही सभी घरों में LPG देने वाला देश का पहला राज्य बना, और दोस्तों हिमाचल प्रदेश का ही एक रोहतांग टर्नल का नाम बदल के क्या कर दिया है, अटल टर्नल। और दोस्तों, यह भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक जिसको जो मनाली में स्थित है वहां भी बनाया गया। और दोस्तों, इसी यही राज्य है जो 112 हेल्पलाइन नंबर का भी मतलब उद्घाटन किया। ये हेल्पलाइन नंबर से दोस्तों जितने भी एम्बुलेंस, डॉक्टर, फायर ब्रिगेड्स जितने हैं सबको आप कॉल कर सकते हैं 112 नंबर पे। और दोस्तों, ये सुरंग के अंदर रेलवे स्टेशन बनाने वाला भी पहला राज्य है, और इसको थर्मोकोल के बर्तनों पर भी ये बैन लगा दिया है हिमाचल प्रदेश। तो इतने फैक्ट आपको जानना है दोस्तों, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। ऐसे ही हम लोग जितने भी पुराने पुराने बने हैं सबको हम लोग रिवाइज करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किस राज्य में किया। तो दोस्तों, वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। तो दोस्तों, कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है, BS येदियुरप्पा, ठीक है, वही इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। ये दोस्तों 400 मीटर ऊंचा होगा और इसको 34 करोड़ रुपया के लागत से बनाया गया। कहाँ? कर्नाटक। तो दोस्तों, कर्नाटक के कहाँ स्थित है वो, कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है। तो दोस्तों, ये कर्नाटक का मुख्यमंत्री तो हो गया BS येदियुरप्पा, और यहाँ का गवर्नर का क्या नाम है, तो हो जाएगा बजूभाई बलम। और दोस्तों, ये प्राणवायु और जनसंपर्क योजना भी ये कर्नाटक ने ही शुरू किया था। और दोस्तों, ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का विजेता भी ये कर्नाटक ही रहा है, वो भी फैक्ट आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन जिसको IASF डे हर वर्ष कब मनाते हैं। तो दोस्तों, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन ये हर वर्ष कब मनाते हैं? तो दोस्तों, ये मनाते हैं ऑप्शन नंबर बी, 10 सितंबर को, ठीक है। तो दोस्तों, किस लिए मनाते हैं, तो ये सुसाइड को रोकने के लिए और देश में हो रहे सुसाइड के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये डे मनाते हैं। तो दोस्तों, इस बार ये जो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन आया है इसका थीम भी है। तो दोस्तों, इसका थीम क्या है, थीम है दोस्तों वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, ठीक है, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड इसका थीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
आईबीए द्वारा जारी ईएएसई 2.0 इंडेक्स में किसने टॉप किया? तो दोस्तों किसने टॉप किया, तो आईबीए के बारे में भी जानना है और ईएएसई 2.12 के बारे में भी जानना है। तो दोस्तों ये आईबीए क्या है? तो आईबीए दोस्तों इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। तो दोस्तों बैंक से रिलेटेड है, तो टॉप किस बैंक ने किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है टॉप। और ईएएसई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो है इनफ एक्सेस एंड रिवाइज एक्सीलरेंस, ठीक है, और ये इसका फुल फॉर्म। तो टॉप तो किया बैंक ऑफ बड़ौदा, और दोस्तों सेकेंड आया है भारतीय स्टेट बैंक, और थर्ड आया है दोस्तों ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो इसके बारे में जानते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का दोस्तों गठन कब किया गया था? इस्टैब्लिश 20 जुलाई 1908 को, ठीक है, 20 जुलाई 1908 को किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर बड़ौदा गुजरात में स्थित है। और दोस्तों इसका एमडी एंड सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा जी, ठीक है, आप याद रखेंगे। और दोस्तों अभी एसबीआई के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों एसबीआई का गठन कब किया गया था? 1 जुलाई 1955। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और यहाँ का चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक कपास उत्पादकों के लिए किस बैंक ने नई ऋण योजना शुरू किया? तो दोस्तों जैविक किसान, ठीक है, कपास के उत्पादन के लिए किस बैंक ने नई ऋण सेवा योजना शुरू किया? तो किया है दोस्तों एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये जो है जैविक कपास उत्पादन, इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है, एक योजना भी है दोस्तों। किस योजना के तहत उनको लोन मिलेगी, ऋण मिलेगी? तो होगा दोस्तों SAFAL, ठीक है, ये योजना है सफल योजना। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है दोस्तों सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। इस योजनाओं के तहत कपास उत्पादक जितने भी हैं वो सबको लोन प्रोवाइड करेगी कौन? एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाईएसआर संपूर्ण पोषण योजनाओं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया? तो पता है दोस्तों वाईएसआर मतलब किस राज्य ने शुरू किया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश ने ही शुरू किया है संपूर्ण पोषण योजना वाईएसआर। तो इस योजना के तहत क्या होगा दोस्तों? जितने भी आंगनबाड़ी केंद्रों हैं यहाँ पौष्टिक भोजन आपूर्ति करेगी सरकार, ठीक है, वाईएसआर संपूर्ण पोषण योजना। तो दोस्तों वाईएसआर यहाँ का मुख्यमंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों उसके नाम से ही ये योजना शुरू किया है, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ का गवर्नर क्या नाम है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। तो दोस्तों यहाँ तीन कैपिटल है, ठीक है, आंध्र प्रदेश ये दोस्तों भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, जो कि गठन कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। और दोस्तों इसका तीन कैपिटल हैं, वो तीनों कैपिटल कौन कौन सा है तो आप कमेंट में मेंशन करिए दोस्तों, ठीक है, और आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, उस झील का क्या नाम है? तो झील का नाम है दोस्तों कोलेरू झील, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और पुलिकट झील, ये दो झील है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ का लोक नृत्य क्या है दोस्तों? तो लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने किया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाओं का शुभारंभ? तो दोस्तों किसने किया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा का योजना का शुभारंभ? तो दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। शुरू किसने किया है दोस्तों? शुरू किया है प्रधानमंत्री ने, एक ऐप लॉन्च किया इसके लिए, क्या नाम है? गोपाला ऐप, ठीक है, ये उसके लिए गोपाला एक ऐप लॉन्च किया। इस योजना के तहत दोस्तों 2024-25 तक मछली उत्पादन में 70 लाख टन का
बड़ा करना है, ठीक है, उतना उत्पादन करना है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य मत्स्य और मछुआरों किसानों के लिए उनका आय दोगुना करना है, और इसका उद्देश्य है। किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री। वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, आप कमेंट में मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन बने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन। तो दोस्तों स्कूल ऑफ नेशन के नए ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी परेश रावल जी ही बने हैं। तो दोस्तों परेश रावल कौन है? वो है लोकसभा के पूर्व सांसद और एक अभिनेता, ठीक है, वही बने हैं नेशनल ड्रामा और स्कूल के नए चेयरमैन। तो दोस्तों इसको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री इनको कब मिला था? तो मिला था 2014 में मिला था इसको पद्मश्री, ठीक है। और दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसको मिला था सहायक अभिनेता के लिए। कब मिला था? तो दोस्तों ये उसको मिला था 1994 में मिला था, ठीक है, सहायक अभिनेता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन होंगे प्लेयर स्पॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर। नए ब्रांड एम्बेसडर प्लेयर प्लेयर जैकपॉट के लिए कौन होंगे? तो होंगे दोस्तों भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये दोनों ही दोस्तों मशहूर क्रिकेटर हैं, यही होंगे प्लेयर स्पॉट की नए ब्रांड एम्बेसडर। ये क्या है? ये दोस्तों एक फैंटेसी गेम ऐप है, ड्रीम इलेवन की तरह ही ये एक ऐप है, ठीक है, यही होंगे, ये दोनों होंगे इसके ब्रांड एम्बेसडर। ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य की सीएम ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। तो दोस्तों ये दक्षिण भारत की पहली किसान रेल है, लेकिन ये देश का किसान रेल सेकेंड है, ठीक है। तो किस राज्य के सीएम ने इसको हरी झंडी दिखाई? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के सीएम का क्या नाम है? YSR जगन मोहन रेड्डी ने ही ये किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। दोस्तों आंध्र प्रदेश का सीएम YSR जगन मोहन रेड्डी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको हरी झंडी दिखाई। ये दोस्तों 40 घंटों में 2150 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। दोस्तों ये कहाँ से कहाँ चलेगी? तो दोस्तों ये चलेगी दोस्तों आंध्र प्रदेश के आनंदपुर से दिल्ली के आदर्श नगर तक चलेगी, ठीक है। ये 40 की कितने 2150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो दोस्तों ये भारत की तो सेकंड किसान रेल सेवा है। तो पहला रेल सेवा का क्या नाम था? तो दोस्तों पहला कब चला गया था? तो 7 अगस्त 2020 को चला गया था, ठीक है, और महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चला गया था, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।